पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था और अब हम इसके आगे देखने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चलिए देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। ये जो एक रेलवे है स्टेशन, ट्रेन आई हुई है, लेकिन किस जगह की थी पता नहीं मुझे। मेरे हिसाब से ये वो हावड़ा की स्टेशन थी। यहाँ पे देखिए, ये राजा और महाराजा का जो एंट्री हुआ करता था। देखिए, ये एलिफेंट से बड़ा हाथी जो है वो पूरा सजाया हुआ है, उसे यहाँ पे एंट्री होती थी। लेकिन ये पेंटिंग है जो कि मतलब हाथ से डिज़ाइन किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो इसका छत और इसका जो टेरिस है, काफ़ी शानदार डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे आलमगीर के हाथों बनाया हुआ एक शिप है, पानी जहाज़, काफ़ी बेहतरीन, और वो भी इंडियन कंपनी की थी। सबसे मेन चीज़ जो है, ये काफ़ी पुराना जहाज़ है, शायद ये सबसे पहली जहाज़ जो बनाई थी वो इंडियन में, मेरे हिसाब से ये लगता है। यहाँ पे एक पियानो है, काफ़ी पुराना पियानो है ये, उस टाइम की लगभग 150-200 साल पहले, और 100 साल पहले तक तो होंगे पक्का। ये भी तो हम देख चुके हैं एक बार। यहाँ पे इसका ऊपर का व्यू देखिए, काफ़ी सुंदर और काफ़ी कमाल का लगता है यहाँ पे। और चलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद अंदर जाके देखेंगे कि अंदर में क्या क्या हमें देखने को मिलता है। ये है मेन हॉल ऑफ विक्टोरिया मेमोरियल। यहाँ पे देखिए, इसका व्यू काफ़ी शानदार और काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी बड़ा है। वीडियो में कैमरा में आपको तो समझ में कम आएगा। यहाँ पे देखिए, विक्टोरिया रानी का जो स्टैचू है, ये 1837 से 1901 तक जो है इसको बनाया गया, उसके बाद ये लाया गया। कितना टाइम लगा होगा देखिए, 1837 से 1901 तक, 1901 तक बनाया गया। इसका टेरेस देखिए, उसका बैल्कनी देखिए, काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी शानदार जो है डिज़ाइन किया गया। कितना टाइम लगा होगा, लेकिन जो भी हो, ये अपना मजदूर के हाथों ही बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए, सारे गने और सारे तलवार जो हैं यहाँ पे मौजूद है, वो भी बिल्कुल ओरिजिनल। मेरे हिसाब से शायद ये कॉपी नहीं होगा, लेकिन ये ओरिजिनल ही होगा मेरे हिसाब से। जो भी है यहाँ पे रखा हुआ है, हम आपको दिखा रहे हैं। सारी तलवारें हैं और सारे जो भाला है वो थी। और ये देखिए, ये एक मैप है जो राजा का, जो प्रजा होता है, जो काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है, राजा का महल के पास जो छोटा छोटा घर होता है उसको प्रजा बोलते हैं, जो राजा के हुक्म से ये बात सुनते हैं वो शायद ये। यहाँ पे देखिए, कितने छोटे छोटे घर हैं डिज़ाइन में। यहाँ पे देखिए, गन ब्रस क्या है ये, तोप जिसको बोला जाता है, ये तोप भी बोला जाता है, ये राजा का था। काफ़ी शानदार और काफ़ी बड़ा है, बिल्कुल ये पीतल का है शायद मेरे हिसाब से। हम इस साइड में इतना ही देखे, क्योंकि इस साइड में कुछ है नहीं, सिर्फ पिक्चर लगे हुए फ़ोटोज़ जो हैं अभी का टाइम के जो मशहूर थे उसके लिए। यहाँ पे देखिए, सेल्फ फेस जो है ये, आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ लोग बोल रहे थे कि इसका जो मतलब ये पत्थर जो है, ये ऑटोमेटिक इसका फेस जो है वो बना हुआ मिला था, इस वजह से इसको यहाँ पे रख दिया गया है। लेकिन ये हाथ से डिज़ाइन करके वो पत्थर नहीं बनाई थी। फिलहाल ये क्लीव या स्लीव, क्या नाम है, क्लीव ही नाम है यहाँ पे इसका, कौन था इसका पता नहीं कौन था। यहाँ पे देखिए, एक बार ऊपर से व्यू देखिए, और इसका अंदर का जो नज़ारा है वो भी हम दिखाएंगे। इसके बाद हम चलेंगे एसी, जो एसी वाला रूम है जहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह। यहाँ पे देखिए, ये प्रोजेक्ट है शूटिंग का, जो क्या है शूटिंग वगैरह का, ये काफ़ी पुराना पुराना जो है ये तस्वीरें दिखाती है, काफ़ी पुराना पुराना। और यहाँ पे देखिए, वंदे मातरम और भारत माता का जो नारा है वो सब किसने निकाला था, वो शायद लिखा हुआ यहाँ पे। यहाँ पे 1857 क्या है, 1867 शायद, कितना दिन से बना हुआ है और कितना दिन तक ये टिका था शायद वो लिखा हुआ है। 1947 लास्ट था क्या, 1947 ही लास्ट होगा आई थिंक, जब तक देश आज़ाद हुआ वही वक्त था, क्योंकि उसके बाद तो अंग्रेज़ तो भाग ही चुके थे, है थे नहीं यहाँ पे। यहाँ पे एक डिस्प्ले रखी गई है, पता नहीं ये डिस्प्ले कौन सी है, लेकिन अगर आप यहाँ पे खड़े होते हो इस शीशे के पास, तो शायद ये आपका भविष्य बताता है। मतलब आपका जो पुराना टाइम में जो आपका फेस अगर किसी से मिलता होता तो वो वहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे एक देखिए,
और राइफल गन जो होती है वो देखिए काफ़ी शानदार और काफ़ी बेहतरीन थी। एक ये है राइफल गन। सो यहाँ पे देखिए कुछ पुराने लोग हैं जिसकी तस्वीरें यहाँ पे लगी हुई है, और यहाँ पे एक पृथ्वी है और काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन चीज़ जो काफ़ी मशहूर मशहूर आदमी के जो है वो फ़ोटोज़ यहाँ पे लगी हुई है। सो फ़िलहाल ये है कुछ गने, यहाँ पे पिस्टल देखिए, यहाँ पे ये एक पिस्टल है, यहाँ पे ये दूसरी पिस्टल है, दूसरे डिज़ाइन की पिस्टल है, और यहाँ पे इसकी गोली है और ये भी इसकी गोली है, ये भी पिस्टल ही है शायद, हाँ ये भी पिस्टल है और इसकी भी गोली देखिए ऊपर में है। और ये शायद गन साफ़ करने वाला जो ऑयल होता है उसका डब्बा है, और यहाँ पे ये गन देखिए, ये राइफल है क्या, और ये क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है, लेकिन यहाँ पे देखिए रिवॉल्वर कितने किस्म के हैं उस टाइम के जो है, एक ये हो गया, ये दो हो गया, और ये भी रिवॉल्वर ही है, तीन हो गया, ये चार हो गया, ये उसकी गोलियां है, रिवॉल्वर्स की गोलियां जो है यहाँ पे मौजूद हैं, ये भी रिवॉल्वर, ये क्या है, रिवॉल्वर है या फिर क्या है यहाँ पे, अरे यार ब्लर हो रखी है यहाँ पे, देखिए मोज़र गन है यहाँ पे, मोज़र गन है यहाँ पे। और यहाँ पे एक बार बाहर से इसका व्यू देखिए, काफ़ी शानदार लग रहा है भाई साहब, और काफ़ी शानदार। और वीडियो अभी हम थोड़ी देर में एंड करने वाले हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो दिखा चुके हैं और अकेले हैं इस वजह से बोर हो रहे थे। सो चलिए हम बाहर निकल चुके हैं, और बाहर निकलने के बाद हम जो है वो आगे निकलेंगे और अपना बैग लेके निकलेंगे। फ़िलहाल ये हमारा बैग का टोकन है, जो बैग हमें दिया गया था ये उसका टोकन है, और ये टोकन दिखाएंगे तभी हमको हमारा बैग जो है वो मिलने वाला है, वरना बैग हमारा गया काम से अगर ये टोकन फेल होगा। सो ये है बैगेज काउंटर, जो बैग यहाँ पे सारे लोगों की जो अवेलेबल रखी रहती है। सो एक बार इधर से व्यू देखिए, और थोड़ा सा पीछे से आपको व्यू दिखाएंगे, तो काफ़ी शानदार और काफ़ी बेहतरीन। और नाइट का व्यू हम आपको दिखा नहीं पाए क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी कम है। सो फिलहाल वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो आपको कहाँ की चाहिए अब वो कमेंट में ज़रूर बताइए, आपको वहाँ पे जाके वो जगह जाके आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।